सब, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ दिस टिंकल आईब्रो रेजर की, और जो कि बहुत ज़्यादा हाइप बना हुआ है, जैसे कि मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा हाइप था कि इसको यूज़ करना है, कैसे करना है, और बहुत सारे इसके बारे में मिथ्स जो मैंने भी सुने हैं, मे बी आपने भी सुने होंगे। और मैं लिटरली इसको यूज़ करने के लिए, ये मेरे पास 2 साल से पड़ा हुआ है, बट मैं इसको यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा डर रही थी कि यूज़ करूँ ना करूँ, एंड फाइनली मैंने वो स्टेप उठा लिया और उसको मैंने यूज़ किया है। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने इसको यूज़ किया है, और आज मैं आपसे अपना जो एक्सपीरियंस हूँ वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं डायरेक्टली तुरंत ही शेयर कर दूँगी कि हाँ ये ऐसा लगा और 2-3 दिन के बाद कुछ और फील हुआ तो वो अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैंने उसको यूज़ किया है। एंड आज मैं आपको बताऊँगी कैसा प्रोसीजर है और कैसे आपने यूज़ करना है। और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मेरे जो फेशियल हेयर हैं ये मतलब करूँ ना करूँ, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना जो अपर लिप्स एरिया यही अभी किया हुआ था, और आज जो है मैंने हल्का, बहुत ही हल्का सा ये जो मेरा फोरहेड एरिया है ये क्या बहुत ज़्यादा नहीं किया, अभी मैं थोड़ा सा अंडर ट्रेनिंग हूँ, तो जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपको अपडेट देती रहूँगी। तो अगर बात करूँ ये टिंकल आईब्रो रेजर की, आपने देखा होगा कि ऑनलाइन बहुत अच्छे से मिल रहे हैं और अब तो ऑफलाइन भी मिलने लगे, ऑफलाइन का मतलब है लोकल मार्केट में आपको मिल जाएंगे। तो ये 3 का पैक होता है, 3 सेट होते हैं इसका, जो है मैंने बहुत अच्छे से चीज़ हरड किया हुआ है और समथिंग लाइक दिस, आपको इस टाइप में 3 जो है वो रेज़र मिल जाएंगे। और अगर अपना बोलूँ तो एक रेज़र जो है वो मुझे लगता है आपका, अगर आप डेली करते हैं या 5 और 6 डेज में करते हैं तो आपका आराम से 1.5 से 2 महीना जो है वो चल जाएगा। और 2 रेज़र अगर आप देखें तो बिल्कुल सिंपल है, मतलब यहाँ पे सिर्फ सेफ्टी कवर दिया गया, बट द 3rd one इज़ यहाँ पे कॉम दिया गया ताकि आप अपनी आईब्रो के हेयर, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे लिखा हुआ है आईब्रो रेज़र, इसको फेशियल रेज़र हमने बनाया, अपनी नई टेक्निक हम देते हैं उसको, तो इस तरीके से कि आप अपनी आईब्रो को कर सकते हैं और इसको एज अ फेशियल हेयर रिमूवर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का ही ये मुझे मिला है, और यहाँ पे ये रास्क का सेफ्टी कवर, और इस तरीके की ये ब्लेड होती है। अगर हिंदी में बोलूँ ना तो आप जब सलून जाते थे या छोटे होते थे, आई एम श्योर आप सब ने देखा होगा, वो जो आपने देखा एक उस तरह होता था जिस तरीके से वो हमारे, मैंने तो फिलहाल ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा किया जब मैं छोटी होती थी, तो वो जो मेरे पीछे वाले बाल होते थे ना उसको बिल्कुल एकदम क्लीन लुक देने के लिए वो इस तरीके से उस तरह चलाते थे, तो मुझे पर्सनली इसको देख के यही लगा कि ये जो है ये उस तरह वाला उस तरह आ गया मेरे पास में। तो ये वर्क कैसे करता है, जब आपके हेयर जिस ग्रोथ में होते हैं आपने उसकी जो अलग डायरेक्शन है उसमें यूज़ करना होता है, और ये मुझसे गलती हुई कई बार, तो मैंने सोचा कि कैसे करूँ ऐसे करूँ ऐसे करूँ ऐसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और एक जो है वो मेरे यहाँ पे हल्का सा कट भी लग गया था जब मैं उसको कर रही थी, तो हल्का हल्का सा ना ब्लड भी मुझे आया था। तो अगर आप इसको यूज़ करें तो प्लीज़ बहुत ही सेफ्टी से करें, मैं बहुत डरते डरते हाथों से कर रही थी, बहुत हल्के हाथों से कर रही थी, पर तब भी हल्का सा कट जो है वो मुझे 1-2 जगह यहाँ यहाँ पर लग गया था। बट ओवरऑल अगर बात करूँ मैं इसकी, ये मुझे कैसे लगा है, ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं क्यों सोचती हूँ क्यों ये 2 साल तक मेरे पास पड़ा रहा, मैंने इसे क्यों नहीं यूज़ किया। अगर आप डर रहे हैं मेरी तरह कि इससे जो है आपके हेयर थिक आएंगे, तो देखिए थिक नहीं आने वाले हैं, बट अगर आप हल्का सा भी लाइक टंग मेरी जो थी वो थोड़ी सी यहाँ पे अगर टच हुई तो मुझे हल्का सा मतलब थोड़ा सा खुरदरापन हुआ, क्योंकि ये जो है हेयर जो है वो पूरा अंदर से नहीं निकाल रहा है ना, तो ऊपर जो है हल्की हल्की ग्रोथ जो वो रह जाती है, तो वो शहद आपको हल्की हल्की सी चुभे, तो ये मुझे ऐसा लगा। बाकी ओवरऑल क्या बहुत अच्छा है। आपने पहले इसको यूज़ करने का मैथड अब मैं बताती हूँ आपने इसको यूज़ कैसे करना है। देखिए कभी भी आपने जब भी कुछ आप करते ना, मतलब कोई भी प्रोसेस करते, तो अपना पहले फेस वॉश अच्छे से कीजिए, उसके बाद आपने कोई भी टॉवल से पैट ड्राई करना है, और अगर आप उस टॉवल को हल्का सा वार्म वाटर में सोक करके करें तो ज़्यादा बेटर है, तो जिससे क्या होगा आपके जो पोर्स हैं वो खुल जाएंगे। और इसका एक काम ये होता है, सिर्फ आपके जो हेयर होते हैं उनको रिमूव करना नहीं होता, बल्कि जो डेड स्किन होती है उसको भी ये रिमूव करता है, तो आपको एक अल्ट्रा शाइनी लुक भी मिलता है इस मतलब इन चीज़ों से। या फिर डर्मा प्लानिंग होती है वो मोस्टली लोग करवाते ही इसलिए हैं ताकि उनकी जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाए। तो देन आपने पैट ड्राई करने के बाद डायरेक्ट इसको ऐसे बस जुट नहीं जाना है, आपने पहले कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है जिसकी वजह से वो जो एरिया है आपका लुब्रिकेंट हो जाए, जिसकी वजह से ईजिली स्लिप हो सके, ताकि आपको बहुत ज़्यादा अगर आप ड्राई करेंगे तो कट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, और प्लस आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। तो उसके बाद आपने जो है वो इस पोर्शन में आपने इस तरीके से ही यूज़ करना है, और बहुत ज़्यादा लाइक अगर इस तरीके से हैं, और अगर आप अपनी स्किन खींच लेते हैं लाइक अपर लिप्स है तो अपनी टंग यूज़ कर सकते हैं, बट अगर लाइक आपका ये एरिया है
तो मैं आपको थोड़ा सा ही दिखाती हूँ इस तरीके से। अभी जो है यहाँ पे सिर्फ मेकअप है और हेयर जो है वो रह नहीं है, तो आपको दिख रहा होगा कि जो मेकअप आ गया। तो इस तरीके से ही आपके हेयर्स हैं, आपकी डेड स्किन है वो निकल के आएगी। बट आपने कभी भी ना इसको सीधा सीधा इस तरीके से यूज़ नहीं करना, आपने हमेशा ही इसको जो है 40 डिग्री में रख के ही यूज़ करना है, ताकि आपको कट भी ना लगे और आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। और इसको यूज़ करने के बाद या फिर आप एक आइस क्यूब लेके आप अच्छे से अपने फेस पे रब कर सकते हैं, या अगर आइस क्यूब नहीं है आपके पास में तो नॉर्मल वाटर लेके वॉश करना है। एंड आफ्टर वॉश योर फेस आपने तुरंत ही जो है वो कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, ताकि अगर आपको थोड़ा सा बर्न, क्योंकि मुझे लगा था मैंने मॉइस्चराइज़ यूज़ किया, बहुत सारे लोगों को शायद ना लगता हो, बट जब मैंने जब मैंने इसको यूज़ किया एंड आफ्टर बहुत, एक तो मेरे कट था शायद उस वजह से बर्निंग सेंशन मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी, बट इस साइड में इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसी साइड में लग रही थी, तो मैंने आइस क्यूब रब की, उसके बाद ही मुझे थोड़ा सा बेटर फील हुआ। और थोड़ी देर तक मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, मे बी थ्रेडिंग से नहीं लगता है बस इससे लगा, बट क्यों लगा डोंट नो, शायद वो कट हुआ पड़ा था इस वजह से इतना लग रहा था, बट कुछ ना कुछ लगा। बट अगर ओवरऑल बात करूँ और मैं अपना इसको रिव्यू दूँ, रेटिंग दूँ, तो इट्स अ 10/10 फॉर मी, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। और अब मुझे भी एक प्रॉब्लम नहीं रही, क्योंकि मुझे क्या होता है हेयर अपर लिप्स मोस्टली, अपर थ्रेडिंग में तो इतना नहीं, बट अपर लिप्स मुझे हेयर अगर मैं आज करवा के आई हूँ तो आफ्टर आई थिंक वीक और 10 डेज मुझे अपर लिप्स जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्या रहती है, मुझे बार बार अपर लिप्स बहुत जल्दी करवाने थे। तो अगर आप मुझे वीडियो बनानी है और अपर लिप्स रेडी चाहिए तो आई कैन डेट, मैं कर सकती हूँ, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है। तो अगर आप भी चाहते इसको ट्राई करना तो गो फॉर इट, एक बार मौका दो यार, मेरे जैसी बेवकूफ़ी मत करो कि मैंने 2 साल तक इसको रखा और यूज़ नहीं किया। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड जब मैंने इसे 2 साल पहले लिया था, अब तो इसका प्राइस 199 आ गया है, और मैंने इसको एक्चुअली लोकल मार्केट से लिया था, तो लोकल मार्केट से आप सोच नहीं सकते मुझे कितने का पड़ा। ये मुझे पड़ा ₹40, कैन यू बिलीव इट, ₹40 का ये मुझे मिला है। तो मेरे लिए बहुत ही ऑसम डील रही, और अगर आप चाहे ऑनलाइन ट्राई करें या लोकल मार्केट में भी ट्राई करते हैं तो आपको इजिली ₹50 तक, शायद 2 साल में थोड़ा सा अगर प्राइस बढ़े तो ₹50 का या 60-70 का आप इजिली मिल सकता है। बट अगर आप ऑनलाइन ट्राई करेंगे तो आई डोंट थिंक सो ये 200 से कम आपको मिलने वाला है। तो जस्ट गो फॉर इट, इसको ट्राई करें और अपने फेस को आप स्मूथ बनाएं और अपना मेकअप जो है वो अल्ट्रा स्मूथ करें। तो दैट्स ऑल गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आज का रिव्यू और मेरा एक्सपीरियंस आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। चलिए जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।